हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से बड़ी खबर, यहां पर ट्रिम्बल ट्रेल रोपवे में केबल कार में 8 लोग फंस गए हैं। यहां पर हवा में यह केबल कार फंसी है और इन लोगों के बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फंसे हुए सभी लोग टूरिस्ट हैं, इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं सोलन से कांग्रेस विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि डीसी से बात की गई है। शांडिल बोले कि जल्द सबको सुरक्षित निकाला जाएगा और सेना की मदद भी ली जाएगी। बताया जा रहा है कि तकनीकी खामी की वजह से ये केबल कार बीच रास्ते में अटक गई और इस वजह से परेशानी आ गई। बता रहे हैं कि केबल कार के अंदर फंसे लोगों के वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो के जरिए लोग उन्हें रेस्क्यू करने की अपील कर रहे हैं। एक शख्स ने बताया कि वह 1.5 घंटे से ट्रॉली के अंदर फंसे हैं और कोई मदद नहीं मिली है। हालांकि हवा में अटके लोगों को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और राहत और बचाव का काम भी जारी है। 1992 की यादें हुई ताज़ा। इससे पहले भी एक बार 1992 में भी इसी रोपवे पर हादसा पेश आया था। करीब 10 जिंदगियां 3 दिन तक ट्रॉली में फंसी रही थी। इनमें एक की मौत भी हो गई थी। उस समय आर्मी व एयरफोर्स के जवानों ने जान पर खेलकर लोगों को रेस्क्यू किया था। उस हादसे को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। इसी तरीके की तमाम जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।